सभी जो स्वागत कर रहे हैं वो गोपका फोरम के सदस्य लोग हैं, उनका परिहार साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने साथी विजय सिंह ठाकुर, श्यामलाल सिंह जी और अवनीश कपूर श्री एके कुलसे साहब जी यहाँ पर उपस्थित हैं और वो दिल्ली से कल ही आए हुए हैं। ये जबलपुर में आजकल कम रहते हैं, दिल्ली में अपनी बेटी के साथ में अधिक रहते हैं। उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं। जबलपुर के शहीद स्मारक में आज 6 फरवरी 2024 को मंगलवार के दिन भारत कृषक समाज के द्वारा उन तमाम पदाधिकारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने किसानों के लिए जो है काफ़ी मदद की है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जबलपुर से बिजली विभाग के एक बड़े अधिकारी रहे हैं पूर्व में अरविंद कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने लगभग बताया जाता है कि 400 करोड़ के आसपास का जो की समस्या का जो है की समस्या से निजात दिलाया था यहाँ के जो किसान हैं प्रदेश भर के, और जो किसान हैं उन सभी की मदद उनने की थी। लगभग इसमें बताया जा रहा था कि 400 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा मामला था। और यही नहीं, केवल इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अरविंद कुलश्रेष्ठ जो पूर्व में बिजली विभाग में रहे हैं वो बड़ी पद पे रहे हैं, और इसके अलावा भी उन्होंने कई कार्य ऐसे किए हैं जो सराहनीय रहे। बड़े उनके जो पदाधिकारी थे वो भी उनसे उनके कार्यों से काफ़ी संतुष्ट रहे हैं। और किसानों के लिए अगर हम देखते हैं तो किसानों के लिए बिजली के क्षेत्र में अरविंद कुलश्रेष्ठ साहब एक बड़ा नाम बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मदद की है। और केवल अरविंद कुलश्रेष्ठ ही नहीं बल्कि और भी ऐसे तमाम अधिकारियों पदाधिकारियों को आज यहां पर सम्मानित किया जाने वाला है कृषक भारत कृषक समाज के द्वारा, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसानों की जो है मदद की है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि भारत कृषक समाज के द्वारा कृषक सेवा रत्न अलंकरण सम्मान समारोह के रूप में जो है यहां पर तमाम जो पदाधिकारी आने वाले हैं उनको यहां पर सम्मानित किया जाने वाला है। तब तक जुड़े रहें दलुक न्यूज़ चैनल के साथ में, अभी हम यहां के आगे आपको भी और समाचार पहुंचाते रहेंगे। अपने सभा मध्य प्रदेश सरकार से वो उसको भी हमने बचाया, और जो आज अगर मान लो वो खास पावर लागू होते तो एक एक किसान के ऊपर लाखों लाखों का जो बिल है आज भी थोपा हुआ पाया जाता, तो वो उससे हमारे लोगों को मुक्ति मिली। 10-12 हज़ार किसान जबलपुर के, और अगर संभाग के पूरे मिलाए लिए जाए तो 20 हज़ार किसानों को राहत मिली। विद्युत कंपनी वालों ने लोकपाल के खिलाफ अपील दायर की नियामक आयोग में, लोकपाल में, वहां पर भी हम वकीलों को लेकर के गए और वहां पर हमारी जीत हुई। यहां तक मानी नहीं विद्युत कंपनी, उन्होंने अपील कर दी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी हम जो जबलपुर बचाए, ठीक कह रहे रमेश जी। तो ऐसे हमारे विद्वान कहें, हमारे सार्स करें, हमारे जीवनदाता कहें, श्री एके कुलसे साहब जी यहाँ पर उपस्थित हैं और वो दिल्ली से कल ही आए हुए हैं। ये जबलपुर में आजकल कम रहते हैं, दिल्ली में अपनी बेटी के साथ में अधिक रहते हैं। उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं। सभी जो स्वागत कर रहे हैं वो गोपका फोरम के सदस्य लोग हैं, उनका भी इस मंच से स्वागत सम्मान करता हूं। हमारे बीच में ब्रिजेश सरदेरिया जी से निवेदन है यहां पर आए और आगे की हमारे अब स्वागत का अंतिम कड़ी है, स्वागत की अंतिम कड़ी है। मैं मंडला जिले के हमारे अध्यक्ष श्री परिहार साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने साथी विजय सिंह ठाकुर, श्यामलाल सिंह जी
अवनीश कपूर जी एवं अन्य लोगों के साथ में आए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें।